राणावट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ गुप्त रोगों में एक ऐसी बीमारी जो नपुंसकता से जानी जाती है, और इस नपुंसकता के लिए सरकार ऐसे भी प्रावधान और नियम लाने वाली है कि इसका कोई प्रचार नहीं कर सके, क्योंकि गुप्त रोग के नाम से लोग ठगे बहुत जाते हैं। पर ये क्यों होता है गुप्त रोग, जिसमें गुप्त का अर्थ ये होता है छुपा हुआ होना। छुपे हुए में बहुत सारे सिफिलिस है, गोनोरिया भी हो सकता है, पर बात यहाँ लोग इसकी नहीं करते हैं। बात यहाँ पे ये होती है हस्तमैथुन से पीड़ित नपुंसकता पैदा होना। हस्तमैथुन से एक मानसिक नपुंसकता पैदा होती है। हस्तमैथुन की वजह से इंद्रिय का छोटापन, लिंग का छोटापन, टेढ़ापन होना और सिकुड़ जाना ये भी पाया जाता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो बच्चे, जो लड़के 12 साल से लेके 25 साल के बीच में हैं, वो हस्तमैथुन करते हों तो कृपया रोक दें। भारतीय संस्कृति ब्रह्मचर्य के नियमों वाली है। वीर्य को रक्षा करनी चाहिए। वीर्य खुद के नाश करने के लिए नहीं होता है, ये वीर्य एक महिला के लिए होता है। इसलिए आप इसको रोकें, क्योंकि वर्तमान में ये जो आपको अलौकिक आनंद दे रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में आपको पता नहीं है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ हस्तमैथुन से होने वाली नपुंसकता। हस्तमैथुन की होने वाली नपुंसकता में ये वर्तमान में मौज मस्ती आनंद, अलौकिक आनंद दिखता है, पर उन्हें पता नहीं है भविष्य में इसके परिणाम क्या होंगे। रुकिए, अगर आप जो भी कोई हस्तमैथुन करते हैं आप रोक दें, नहीं तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन खराब हो चुके हैं और कुछ लोग रुपए खर्च करके ठगा जा चुके हैं, उनकी स्थितियाँ यही रहती है कि हम पैसों के बल पे ठीक हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं। जिसमें तीन मुख्य बातें ध्यान रखने की है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ये होता है कि जो बच्चा बचपन में हस्तमैथुन करता है वो एकांत में करता है। एकांत में करने से उसे एक तो एकांत में डर होता है, भय रहता है, और उसके साथ में शर्म भी होती है। अर्थात एक सिक्के के दो पहलू हैं, शर्म है और भय भी साथ में रहेगी। दो ध्रुव है, एक किनारे शर्म है, एक किनारे भय है। इसलिए आप इन दोनों को छोड़ने से बचना है। आपको इस भय और शर्म से मुक्ति पानी है। आपको अगर वैवाहिक जीवन अच्छा पाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वर्तमान में जिए, बीता हुआ कोई काल है उसको भूल जाए, भविष्य के लिए अच्छी कल्पनाएं करना भी छोड़ दें, दुखी होना भी छोड़ दें, वर्तमान में जिए कृष्ण भगवान की तरह मस्त रहें, शशि थरूर की तरह। आपने देखा होगा एक शशि थरूर है, बड़े खुश मिजाज है, हमेशा खुश रहते हैं, हर जगह जाओ वहाँ पे कृष्ण कन्हैया की तरह रहते हैं। अब रोल मॉडल मानिए उनको, खुश रहिए, और जब खुश रहेंगे ना तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप समय पर उस वक्त जो इंटरकोर्स है तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, भय में रहेंगे, निश्चित है वहाँ फैल हो जाओगे। इसलिए फैल होने से बचने का तरीका यही है, आप खुश रहें वहाँ पे। दूसरा, डाइट। डाइट का आपका बहुत प्रभाव है। डाइट अगर आप अच्छी लेंगे निश्चित है उससे वीर्य बनेगा और उससे होने वाली समस्याओं में आपको दिक्कत नहीं आएगी। डाइट होगी तो वीर्य बनेगा, गाढ़ा बनेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, पशुधन में जहाँ पशुपालक सांड पालते हैं वो अच्छी खुराक रखते हैं, पूरे गांव की गायों के बारे में या भैंसों के बारे में वो एक अकेला ही होता है। गायों का पशुधन में अलग होता है और भैंसों के पशुधन में अलग सांड होता है। इसलिए आपको उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार आप अपनी खुराक अच्छी रखें, अच्छा डाइट प्लान रखें, और अच्छा डाइट प्लान होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मुस्कुरा के तो रहना ही है, दूसरा डाइट प्लान अच्छी रखनी है, तीसरा
पैसों के बल पे, पैसा नहीं होने पे दुख होता है और पैसा होने पे भी दुख होता है। कुछ लोग पैसा नहीं होने से मुफ्त में इलाज ढूंढते हैं, मुफ्त में कहीं नहीं मिलता है, मुफ्त में भीख मिलती है। सबसे बढ़िया तरीका है, आपके निकट हर तहसील स्तर पे पूरे भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने वैद्य नियुक्त किए हैं, सरकारी जितने भी वैद्य हैं वो सभी इलाज जानते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको गलत राह नहीं देंगे। अच्छे साइकोलॉजिस्ट की अगर ज़रूरत है तो आप उनसे संपर्क कीजिए, और डाइट प्लान की ज़रूरत है आप डाइटिशियन से सलाह कीजिए। पर ऐसा खाइए जो भोजन आपको सुपाच्य हो, जो आपको भोजन पचता हो, और जो भोजन पचेगा निश्चित है आपको दिमाग तंदुरुस्त रहेगा, पेट में गैस नहीं होगी, आप आलस नहीं आएगा, और आराम से आप आपकी वैवाहिक ज़िंदगी निकाल सकते हैं। हम कई बार लोगों से कहते हैं कि हमारे फ़ोन नंबर आने से आप फ़ोन करते हैं, हम जवाब देने में असमर्थ होते हैं। कई बार व्हाट्सएप में एक सवाल का जवाब दिया जा सकता है, न कि निरंतर वार्तालाप की जा सकती है। कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, हमें तो सुनना पड़ता है, क्या करें, एक सीमा रेखा है, उसके बाद ब्लॉक करना हमारी एक जवाबदारी, एक मजबूरी भी हो जाती है। कोई भी दिक्कत है आप आपके निकट वैद्य से मिलिए, अनेक विज्ञापनों से बचिए, और अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।